So Spring Boot is a, is a framework by which you can create an API. And there is something called as POM.xml file. And in that POM.xml file you define the configuration. So when it comes to configuration, that means what kind of dependencies and things which we are going to use. Uh, you mention it there under dependencies. बट यू ऑल्सो कैन मैंशन समथिंग अंडर द सेगमेंट कॉल्ड बिल्ड तो बिल्ड के अंदर भी आप कुछ ऐसी चीजें लिख सकते हो जिसको आप चाहते हो कि आपकी ए पी आई यूज करे या या जो आप आपका जो मेवन है वो यूज करे टू फाइनली क्रिएट दर्जन ऑफ द ऑफ द ए पी आई सो हियर वी राइट समथिंग लाइक बूट मेवन प्लग इन सो ये क्या करता है सिंपली उसको बिल्ड करने का काम करता है मेवन जो प्लग इन है उसको यूज़ करेगा टू बिल्ड द एप्लीकेशन ठीक है एंड इसी के अंदर मैं एक सेगमेंट डाल दूंगा प्लग इन करके सो प्लग इन मैंने यहाँ डाला है जक, जको को ओके okay? को एक डिपेंडेंट लाइब्रेरी है uh, इसका काम ये होता है कि जब एक स्प्रिंग बुट ए के अंदर अगर कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं ओके फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं राइट ये तो खाली है पर यहाँ पे एक टेस्ट लिखा हुआ है ये वाला सो so, अगर एक कोई टेस्ट लिखा हुआ है इसके अंदर और वो अपने आप एग्जीक्यूट होता है तो मेवन जो है अपने आप उनको एग्जीक्यूट करता है बेसिकली सो so, मेवन लेट्स टॉक समथिंग अबाउट मेवन आई नो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बट यू कैन स्टॉप मी बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन डी क्लेटर दिस मेवन थिंग मेवन एक सॉफ्टवेयर है ओके okay? उसका काम ये होता है कि जावा बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बिल्ड कैसे करना है उनको टेस्ट कैसे करना है उसमें उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है फ्रॉम सोर्स कोड टू द बिल्ड वर्जन वो कैसे लेके आना है ओके मे बी आई ट्राई स्मॉल डाइग्राम ओके सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे ओके सो ये तो सोर्स कोड है सोर्स कोड अपने आप नहीं चलता उसको बिल्ड करना पड़ता है राइट सो यू हैव टू बिल्ड द सोर्स कोड देखो अभी फर्स्ट फर्स्ट सेशन हमारा बेसिक का है तो मैं बेसिक की बात ही कर रहा हूं ओके आई एम नॉट टॉकिंग एनी एडवांस थिंग बिल्कुल बेसिक स्टफ है तो जो भी बेसिक वाले बंदे प्लीज पे अटेंशन सो यू हैव सोर्स सोर्स कोड कोड को जब मैं बिल्ड करता हूं तो वो बन जाता है बाइट कोड बाइट कोड जो होता है जावा का फॉर्मेट होता है इसे बाइट कोड कहते हैं पर आप बाइट कोड से ज्यादा डील नहीं करते बेसिकली दिस एक्चुअली इज कंटेन इनसाइड अ जार ठीक है सो बेसिकली बाइट जार फाइल जो होती है वो बाइट कोड के अंदर होती है ओके बाइट कोड मतलब जो भी सोर्स कोड आपने लिखा उसको जब कंपाइल होगा इसको हम बोलते हैं कंपाइल जब वो कंपाइल होगा तो वो जार फाइल बन जाती है उसकी मिसलि बाइट कोड का नाम लेता ही नहीं ताकि कंफ्यूजन ना हो उसकी फाइल बन जाती है जार फाइल ओके सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा मेवन कंपाइल या मे इंस्टॉल लिख देता हूँ चलो क्लीन क्लीन का मतलब होता है यहाँ पे एक टारगेट फोल्डर बनता है ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो एंड डिलीट दिस इफ आई से क्लीन इंस्टॉल तो ये ऑटोमेटिकली मेवन का काम है ये जो हो रहा है ये मेवन कर रहा है मेवन कहाँ पे है मेवन मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि मेवन मैंने अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया है तो मैं मेवन कमांड को चला सकता हूँ मेवन कमांड क्या करेगा जावा के कोड को उठाएगा कहेगा सोर्स में जावा का कोड है और जावा का कोड हमेशा एस आर मेवन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एस आर सी नाम का फोल्डर होता है आ, उसके अंदर एक मेन नाम का फोल्डर होता है एक टेस्ट नाम का फोल्डर होता है मेन नाम के फोल्डर के अंदर जावा होता है जिसके अंदर हम जावा का कोड लिखते हैं जो ए पी आई का कोड है ये लिखा है मैंने आई पी आई का कोड जो टेस्ट नाम का है उसके अंदर टेस्ट लिखते हैं तो मेवन इस तरह से अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को मेनटेन करता है और एक पॉम डॉट फाइव एक्सएमल फाइल होती है तो किसी भी मेवन फाइल में दो मस्ट मस्ट हैव फोल्डर फाइल होनी चाहिए एक तो पॉम्बोड एक्स और एक src src के अंदर मेन और टेस्ट टेस्ट में टेस्ट मेन में मेन का मेन की चीज़ें रहेंगी ठीक है सो so, अभी मैंने फॉर एग्जांपल रन किया बिल्ड आया सक्सेस तो so, इस इस सिंगल कमांड ने मेवन क्लीन इंस्टॉल इस सिंगल कमांड ने बहुत सारे काम किए इसे कहते हैं मेवन की लाइफ साइकिल ये जो इंस्टॉल है और ये सब है इसको कहते हैं फेजेस ऐसे ट्वेंटी मेवन में फेजेस होते हैं ओके लेट मी शो दैट बिकॉज मेवन इज बहुत कॉमन uh, चीज़ है और बहुत जगह यूज होती है सो so बेटर है कि आप थोड़ा सा मेवन के बारे में सीख लें तो अच्छा रहेगा मेवन फेजेस मेवन गोल्स एंड फेजेस यार डायग्राम खोल देता हूँ यार मैं, so चलो ये दिखा देता हूँ सो so मेवन में ये फेजेस कहलाते हैं ऐसे ट्वेंटी फोर फेजेस होते हैं ठीक है सो वैलिडेट, कंपाइल टेस्ट कंपाइल टेस्ट पैकेज इंटीग्रेशन टेस्ट इंस्टॉल एंड डिप्लॉय अगर मैं लिखता हूँ मेवन क्लीन डिप्लॉय फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अभी क्या लिखा मेवन क्लीन इंस्टॉल लिखा था तो जब मैंने मेवन क्लीन इंस्टॉल लिखा तो मेवन क्लीन इंस्टॉल अकेले रन नहीं हुआ पीछे के सारे रन होते हैं एक के बाद एक तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेवन दैट इफ यू से इंस्टॉल तो उसके पहले के सारे रन होंगे मैं कहूँगा मेवन क्लीन इंटीग्रेशन टेस्ट तो पीछे के सारे रन होंगे मैं लिखूंगा मेवन क्लीन कंपाइल तो केवल वैलिडेट रन होगा तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने मेवन क्लीन इंस्टॉल लिखा था तो देखो जब इंस्टॉल लिखा था तो ये जो टेस्ट है

मैंने तो नहीं कहा उसको टेस्ट रन करने के मैंने, मैंने तो मेवन इंस्टॉल लिखा था पर टेस्ट रन क्यों किया उसने बिकॉज मेवन की एक फीचर है जिसमें कि अगर आप एक आगे का फेज लिखोगे तो पीछे के सारे रन करता है अब अगर मैं केवल लिखू मेवन कंपाइल देखो मैं लिखता हूं यहां पे मेवन क्लीन कंपाइल तो अब वो टेस्ट रन नहीं करेगा क्यों देखो कोई टेस्ट रन नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि टेस्ट कंपाइल के बाद आता है तो कंपाइल के टाइम पे टेस्ट रन नहीं होगा ओके So, ये मेवन फेजेस मैंने आपको बताया मेवन में फेजेस क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया okay, so, आप तो, बाकी बाकी फेज रन होने हो जाते हैं। तो टेस्ट रन होगा। अलग अलग फेजेस में अलग अलग चीजें होती है इसका कोई डायग्राम भी मैं एक पिक्टोरियल दिखा देता हूँ तो हमारा सी आई सी डी में यूनिट टेस्ट है वो अलग था और इसमें जो टेस्ट हो रहा है वो अलग है सेम है, exactly आ, है। आ, आ, मैं मतलब बताता हूं उसका। देखो, देखो देखो देखो। ये की लाइफ साइकिल इसको पहले। अबे यार, या से देखो। so, जब मैंने कहा मेवन कंपाइल मैं, मैं हमेशा यूज क्या करते हैं हम लोग तुमने नोटिस किया होगा हम लोग करते हैं मेवन क्लीन इंस्टॉल तो हमें लगता है कि वे इंस्टॉल रन हो रहा है विच इज नॉट नॉट ट्रू सो जब जैसे ही मैं करूंगा इंस्टॉल तो मेवन क्या करेगा पहले वैलिडेट रन करेगा इनिशियलाइज जनरेट सोर्स प्रोसेस सोर्स जनरेट सोर्स प्रोसेस कंपाइल प्रोसेस क्लास जनरेट टेस्ट क्लासेस वगैरह 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 ये सारे फेजेस रन करेगा पर जो मेन फेजेस मेन स्टेप्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं बेसिकली पर वो जाएगा पूरे के थ्रू होते हुए अब इसमें टेस्ट कहाँ है इसमें टेस्ट है यहाँ पर तो जब ये फेज मेन मेमन एग्जीक्यूट करेगा तो चेक करेगा भाई कोई टेस्ट लिखे हैं क्या इसने अगर कोई टेस्ट लिखे हैं तो उनको रन कर देगा टेस्ट नहीं लिखे तो रन नहीं करेगा इसका आंसर तुमको मिला विनय अभी

सर uh, एक माइक्रो सर्विस का एक कोड क्या मतलब एक यूनिट जैसे सारा कंपाइल होकर एक बन जाते हैं जब नहीं नहीं मैं यहाँ क्या यूनिट टेस्ट कर लिखा है यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मैं क्या कौन से यूनिट टेस्ट कर रहा हूं बताओ भाई अरे बोलो छह तो लाइन लिखी है वहां पे अरे देख ये कंट्रोलर कंट्रोलर कर रहा कि नहीं क्या है क्लास है क्लास तो यूनिट टेस्ट में हमेशा क्लासेस और उनके मेथड्स को टेस्ट किया जाता है तो देखो मैंने क्या टेस्ट किया एक्चुअली मैं, मैं टेस्ट कर रहा हूँ एक मैथड वो मेथड है हेलो हैलो पर है इस क्लास के अंदर तो मैंने पहले क्लास को इंस्टेंशिएट किया माई कंट्रोलर माई कंट्रोलर इक्वल टू न्यू माई कंट्रोलर माई कंट्रोलर क्लास कहाँ पर है ये है माई कंट्रोलर क्लास इसके अंदर कितने मैथड हैं एक मैथड वन एक मैथड टू तो जब मैं यूनिट टेस्ट लिखता हूँ ना तो यूनिट टेस्ट हमेशा किसी मैथड को टेस्ट कर रहा होता है तो किसी भी कोड में कोई भी कोड हो दुनिया का उसमें हमेशा एक, एक छोटा सा यूनिट होता है जिसे कहते हैं मैथड कई जगह उसको मैथड कहते हैं कई जगह उसको फंक्शन कहते हैं है ना तो जावा में मैं ये फंक्शन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो जावा में मैं फंक्शन कहाँ लिखता हूँ ऐसे हवा में नहीं लिख सकते किसी फाइल में या क्लास फाइल में लिखोगे तो जावा में एक क्लास फाइल मैंने बनाई है माई कंट्रोलर इसके अंदर मैंने दो मैथड लिखे हैं और ये मेथड एक यूनिट है सो व्हेन आई से यूनिट टेस्ट तो मैं उस एक स्पेसिफिक मेथड को टेस्ट कर रहा हूँ ओके सो मैन आई से रन टेस्ट आई एम सेग माई कंट्रोलर डॉट हेलो So, मैं, अभी मैं कॉल कैसे करूँ मैथड को सो so, मैंने पहले मैथड का क्लास बना, बनाया क्लास ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट हेलो कॉल मैथड को कॉल किया तो call, वो कॉल वो रन हो गया ठीक है अब देखो एज अ डेवलप्स इंजीनियर आपको नहीं करना है ये यू विल नॉट राइट दिस टेस्ट डेवलपर विल राइट दिस टेस्ट बट आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए तो so, आपको एक बेर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्लास क्या है ऑब्जेक्ट क्या है मेथड क्या है आपको लिखना नहीं है ये

उसी लैंग्वेज में एक टेस्ट एग्जीक्यूटर होता है वही उसको रन करता है सो so, हमारे मेवन के केस में टेस्ट 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 एग्जीक्यूटर क्या है मेवन का फेज वो उस को एग्जीक्यूट कर देता है तो पाइपलाइन तो बस एक एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है पाइपलाइन में आप बस इतना ही लिखते हो कि ये करना ये करना है ये करना है और करना कैसे है वो अलग अलग जगह कॉन्फिग्रेशन कर सकते हैं तो टेस्ट कैसे रन करना है ऐसे करना है भाई दिस इज हाउ यू रन द टेस्ट इज मेवन टेस्ट कैसे करना है डॉकर से करना है तो पाइपलाइन तो कुछ भी नहीं कर रही है तो हर चीज को पाइपलाइन में मस सोचो आप लोग पाइपलाइन इज जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेजेस एक तो आप स्टेजेस से क्या दिखाते हो स्टेजेस से आप बताते हो सीक्वेंस किस सीक्वेंस में रन करना है और हर सीक्वेंस में कौन सी चीज रन करनी है वो यहां जॉब्स में लिखते हो और वो करनी कैसे है वो आप खुद लिखते हो है ना तो डॉकर बिल्ड कैसे करना है डॉकर से करना है तो आपने डॉकर बिल्ड लिख दिया गिटलैब ने नहीं किया ये गिटलैब ने आपको केवल एक प्लेटफॉर्म दिया है कि ऐसे कर सकते हो करना तो आप दिमाग तो आपको अपने लगाना है अगर डॉकर बिल्ड करना है तो डॉकर चाहिए तो आपने डॉकर की इमेज यूज करिए डॉकर रन कर दिया फिर यूनिट टेस्ट कैसे रन करना है मेवन से करना है मेवन क्लीन टेस्ट कर दिया मैंने तो यूनिट टेस्ट रन हो गए पर अभी रन करने के लिए मुझे एक एनवायरमेंट देना पड़ेगा ना जहाँ रन हो सके तो मेवन वहीं क्लीन टेस्ट वहीं तो चलेगा जहां पर मेवन होगा है ना तो इसलिए मुझे यहां पे देना पड़ा ये और ये क्यों देना पड़ा क्योंकि गिटलैब ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें मेवन क्लीन टेस्ट चलाना है तो प्लीज ये वाली इमेज यूज करो तो ये गिटलैब ने नहीं किया मेरे लिए कि मैंने खुद किया बट विद द द विद यूज़ ऑफ गिटलैब सो गिटलैव इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कॉन्फिगर द स्टेजेस एंड यू कॉन्फिगर द जॉब्स एंड इन साइड द जॉब्स यू कॉन्फिगर योर ओन स्टफ जॉब्स के अंदर आप अपनी चीजें लिखते हो जॉब के अंदर गिटलैब का कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखू यूनिट टेस्ट और इसको कमेंट कर दू तो गिटलैप कहेगा यूनिट टेस्ट पास ओके okay, यूनिट टेस्ट रन हुए नहीं हुए तो गिटलैब का कुछ और रोल नहीं है इसमें आप जो गिटलैब में कुछ भी लिख दोगे और वो चल जाएगा ऐसा नहीं है ओके सो डोंट थिंक फ्रॉम द ऑफ गिटलैब ऑल द टाइम गिटलैब इज ओनली फॉर सीक्वेंस स्टेजेस एंड जॉब्स इवन सोनार सोनारेस्ट राइट अब SAST में तुम देखो किसने किया है यहां पर सेवन ने किया है GitLab ने नहीं किया इटलै में आपने इमेज यूज करी यहाँ मेवन वेरीफाई सोनार सोनार नाम का एक रन किया है यहां, Git के लिए भी। तो ये सोनार में रिजल्ट अपलोड करने का काम भी मेवन ने ही किया इवेंचुअली ठीक है सो हियर इन द केस ऑफ जावा मेवन इज वेरी पावरफुल तो so जावा में प्राइमली 99% केसेस में मेवन ही यूज होता है मेवन हैज बिकम वेरी वेरी पावरफुल टूल एंड यू कैन डू हेल लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट इन मेवन ठीक है ओके क्लियर हो गया डाउट ये वाला यस सर ओके सर एक्सएमएल फाइल भी डेवलपर ही लिखता है क्या हाँ यार ये पूरा एप्लीकेशन है देखो जब डेवलपर हम कहते हैं डेवलपर ने डेवलप एक ए पी आई डेवलप करी है तो वो क्या वो तुमको क्या देगा उससे तुम्हें क्या मिलना है उससे तुम्हें एस आर सी फोल्डर और पाउंड एक्शन फाइल मिलेगा इवन डॉकर फाइल भी वही देगा अगर नहीं दे रहा है तो यू कैन हेल्प हिम बट दिस इज ऑल समथिंग विच ही राइट्स ठीक है सो so ये पूरा एप्लीकेशन एज अ होल इज हैज टू बी गिवन बाय द डेवलपर ये तो का पार्ट है, है पार्ट है। तो जो एप्लीकेशन का पार्ट है वो एप्लीकेशन डेवलपर ही डाउट okay, ये है कि आपने सेट सीआईसीडी चलाया था सर सेट सीआईसीडी चलाया था ओके okay. हाँ आपने क्लिक किया था उस पर और यमल फाइल बन गई थी यमल फाइल। तो अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट मैं माइक इसमें जाता हूँ आई गो एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट ब्लैंक प्रोजेक्ट वॉट क्रिएट प्रोजेक्ट तो यहाँ एक ऑप्शन आता है सेटअप सी आई सी डी ओके इस पर क्लिक करूंगा मैं कॉन्फिगर हाँ। पाइपलाइन तो वो एक सी आई सी डी को उसमें ऐड कर देगा बस तो ये ऑलरेडी सारी स्टेजेस उसने ऐड कर दिए अरे स्टेजेस तो उसने डमी ऐड किया ना उसने ऐसे लिख दिया कुछ अच्छा, भी नहीं इको इको है कुछ भी नहीं अच्छा इको इसमें हमने डायरेक्टली टेस्ट ऐड करके टेस्ट रन किए थे हमने टेस्ट तो सब देखो ना इको, इको हो रहा है वो ऐड किए थे सब हटा दिया ना देखो ये फाइल ऐसी थोड़ी ना जैसे यहाँ लिखी हुई है ये तो डिफरेंट है ये मैं खुद ही लिखूंगा यहाँ तो केवल एक फाइल ऐड कर देता है वो कुछ भी हो रहा इसमें है। कुछ नहीं करता हां इसको हमको मॉडिफाई करना है इसको तुमको मॉडिफाई करना तुमको यहाँ से नहीं चाहिए मतलब तुम अपने लोकल पे डाल के ऐड कमिट कर दो हाँ तो कोई मतलब ही नहीं है एग्जांपल अभी मैं ली, इस पे जाऊंगा रेपोजिटरी पे मुझे लगा कि ये कुछ कोड ला देता है नहीं कुछ नहीं एक एग्जांपल एक फाइल बना देता है तुम्हारी हेल्प करने के लिए बस अच्छा अच्छा कुछ नहीं कर देता है ठीक है ठीक है और और सर लास्ट डाउट ये था कि ट्रीवी हम उसपे चला रहे पे क्योंकि लोकल में ट्रीवी हमारा डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, आ, तो, इसी है तो उसमें क्या हो रहा है कि स्पेस नॉट अवेलेबल बता रहा है वो जबकि मैंने एक्स्ट्रा स्पेस ईबीएस वॉल्यूम भी ऐड किया सब किया लेकिन फिर भी स्पेस नॉट अवेलेबल बता रहा है यार स्पेस नॉट अवेलेबल आई एम नॉट श्योर क्या मीनिंग है इसका पर आई थिंक इट कुड बी योर रैम तुम्हारी रैम उतनी नहीं है कि वो चला ही नहीं पा रहा है उसको अच्छा रैम के कारण हो रहा है है ना और क्या ईबीएस वॉल्यूम तो मैंने ऐड किया था उसमें हाँ इतना वॉल्यूम नहीं चाहिए इट कुड बी रैम पार्ट जो नहीं इसकी वजह से हो रहा होगा हाँ मे बी ठीक है वॉट इज द नेक्स्ट वन वाई डू वी यूज मेवन बिल्ड इन डॉकर फाइल बिकॉज एनी वे वी आर गोइंग टू यूज डॉकर बिल्ड इन आर सी कहाी पाइप लाइन अच्छा। तो कहा है? है ना अब सी आई सी डी पाइप लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है सी आई सी पाइप में लिखा है डॉकर बिल्ड डॉकर लॉग इन डॉकर पुश यहाँ तो नहीं लिखा की अब डॉकर बिल्ड जब करेगा तो डॉकर बिल्ड को करने के लिए उसको डॉकर फाइल की जरूरत है ना जो डॉकर फाइल की जरूरत है कि उसी में तो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि बिल्ड कैसे करना है तो यहां पर तो मैंने केवल एक इंस्ट्रक्शन लिखा है कि डॉकर बिल्ड करना है बिल्ड डॉकर कैसे करना है वो डॉकर फाइल में लिखा है डॉकर फाइल में क्या लिखा है एक बेस इमेज यूज करो जो कि अपने आप में एक मशीन है वेयर वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मेवन एंड जेडी के वहां पर पहले कॉपी करो कॉम्प्लेक्स मेल कॉपी करो एसआरसी फाइल को कॉपी करो फिर चला दो मेवन क्लीन पैकेज तो मेवन क्लीन पैकेज चलाओगे तो देखो इसमें इस फेस भी दिखा देता हूँ मेवन पैकेज में क्या होगा ये मेवन क्लीन पैकेज है जब पैकेज होता है तो जार फाइल बन जाती है जार फाइल जब बन जाएगी तो उसको कॉपी करो और uh, कॉपी मत करो मतलब उसका नाम एप डॉट जार होगा एप डॉट जार फाइल नाम कहाँ से आ रहा है ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है पॉम्पॉट एक्सेंबल में मैंने यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन किया है फाइनल नेम में तो में दो दो सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पहला सेगमेंट होता है डिपेंडेंसीज का दूसरा सेगमेंट होता है बिल्ड का तो बिल्ड में हम लिखते हैं प्लग इंफॉर्मेशन और हम एक फाइनल नेम नाम का टैग भी डाल सकते हैं तो जब भी टारगेट में फोल्ड फाइल बनती है तो वो एप डॉट जार फाइल से बनेगी तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा मे वन क्लीन इंस्टॉल पैकेज ही कर देता हूं चलो पैकेज पैकेज की स्पेलिंग गलत है पैकेज तो क्या करेगा टारगेट में एप डॉट जार नाम की फाइल बनाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एप डॉट जार लिखा है तो जो यही काम मैं देखो मैं अभी जो मैंने तुमको करके दिखाया ये मेरे लोकल मैक मैकुक पे रन हुआ पर जब मैं डॉकर फाइल में लिखूंगा तो ये चीज डॉकर बिल्ड से रन होगा तो मेवन में एक मशीन बनेगी मैक पे चल रहा है ये वाला इस पे चलेगा इस मशीन पे और वहाँ पाउंड से मैंने फाइल कॉपी किया एस आर सी कॉपी किया रन कमांड रन कर दिया मेरे पैकेज मैं पैकेज रन किया तो एक टारगेट फोल्डर बनेगा उसमें ऐप डॉट जार नाम की फाइल होगी उसको मैंने कह दिया जावा हाइफन जार टारगेट डॉट ऐप डॉट जार मतलब क्या कह दिया मैंने मैंने कह दिया ये मैंने कहा कह जावा हाइफन जार टारगेट अभी मैं लोकल पे कर रहा हूँ ठीक है ये मैं लोकल पे कर रहा हूँ यही चीज अंदर हो रही है तो मैंने अभी जो कमांड तुमको यहां करके दिखा रहा हूँ वही चीज जब डॉकर बिल्ड होगा तो इस डॉकर फाइल के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन रन करेगा देखो मैंने यहाँ रन किया तो क्या हुआ मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी तो ये एंट्री पॉइंट एक स्टैटिक स्टेटमेंट है इमेज के लिए पर जब इमेज को मैं कंटेनर में बनाऊंगा इमेज से तो वो ये कोड को रन कर देगा ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहां लिखी हुई है सो इफ़ आई गो टू तो यहां पर ये चीज रन नहीं होगी बाय द वे ओके यहां पर जो एंट्री पॉइंट मैंने रन किया है ये चीज यहां पर रन नहीं होगी ये रन हो, ये रन होगा एंट्री पॉइंट जो है जो डॉकर फाइल में लिखा है ये रन होता है जब आप कंटेनर बनाते हो उसका जब मैं इमेज बना रहा हूं केवल तभी लाइन रु, रन नहीं होगी केवल इंस्ट्रक्शन सेट लिख दिया जाएगा उस फाइल में बस ठीक है पूजा सो आई यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से क्रॉस क्वेश्चन सर कोड कवरेज के लिए पॉम डॉट में हम जेको को एड करते हैं लेकिन हम अगर पाइथन का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां पर पॉम डॉट पॉम नहीं रहेगी तो उसमें कोड कवरेज कैसे करेंगे हाँ बिफोर आई गो टू यू पूजा आर यू आर यू क्वेश्चन आंसर्ड डिड यू अंडरस्टैंड यस आकाश तो ओके सो ये, okay. so, okay, so ये क्वेश्चन हो गया नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर uh, जो विवेक मैंने तुमने पूछा है हर एप्लीकेशन uh, का अलग तरह से कोड कवरेज कैलकुलेशन होता है इसलिए मैं तुमको ये पहले कह रहा था गिटलैब इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल ऑफ दैट इट इज द इंडिपेंड इंडिविजुअल कोड जहां पे ये चीज होती है अब नाउ फॉर हमारी फेवरेट एपीआई खोल लेते हैं फ्लास्क एपीआई ठीक है इसमें भी देखो कवरेज कैलकुलेशन हुआ है इसका तुम रीडमी फाइल खोलो इसमें कहीं लिखा है मैंने आई थिंक पाइथन सोर्स इंस्टॉल टेस्टिंग देखो तो टू रन पाइथन टेस्ट मैं लिखूंगा पाइथन हाइफन एप यूनिट टेस्ट अंडर अंडरस्कोर एप डॉट बाई तो मैंने टेस्ट ऐप लिखा है देखो यहाँ पे टेस्ट में एक एप्लीकेशन यूनिट टेस्ट लिखा है तो मैंने ये गेट मेथड को और गेट एंड पॉइंट बुक्स को टेस्ट किया है एक मेथड को टेस्ट किया है ओके आ, अब मगर मुझे इसके टेस्ट को रन करना है तो मैं रन करूंगा पाइथन हाइफन एम यूनिट टेस्ट टेस्ट एम डॉट पाई तो अगर मुझे कवरेज रन टेस्ट कवरेज निकालना है तो मैं कॉल करूंगा कवरेज रन ओमिट टेस्ट अभी कवरेज क्या है ये सब क्या है ये सब मुझे मिला है पाइथन की लाइब्रेरी से पाइथन की एक लाइब्रेरी है इसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले ठीक है सो so, कवरेज नाम की पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि देखो यहाँ आई हुई है जो पाइथन में रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्सट नाम का जो फाइल होती है इसके अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी में यूज़ कर रहा हूँ वो लिखी होती है जैसे आपका मे में पॉम डोट एक्सएमएल फाइल थी पाइथन में रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स नाम की फाइल आप बना सकते हो इसके अंदर आप लिख सकते हो कौन कौन सी लाइब्रेरी मैंने यूज़ की है इसमें तो कवरेज नाम की मैंने एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया और उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ टू रन माई टेस्ट सॉरी टू टू कैलकुलेट माई कोड कवरेज सो इफ आई गो हियर I have a coverage run omit test hyphen m unit test test at pi. So this will calculate the coverage for me. देखो अगर मैं इसको run करके देखता हूँ पहले कुछ किया था I'm not sure if it would run now but let's see. If I just simply say this, it say ran two test. It worked. Then I go ahead and say okay मुझे coverage भी निकाल के दिखाओ. So मैं coverage निकाल के ये करके देखता हूँ. तो उसने coverage निकाला. अब coverage कहाँ आया? इधर HTML format में आया. इंडेक्स फाइल खोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो एंड ओपन द इंडेक्स फाइल यहाँ पे मेरा कवरेज आ गया देखो कि मैंने कितने परसेंट का एप डॉट पाई मॉड्यूल है उसका कवरेज सिक्सटी वन परसेंट है तो अब ये कवरेज जो है ये मैं सोनार में अपलोड कर सकता हूँ जब मैं इसमें सोनार कॉन्फ़िगरेशन करूँगा मैं इसमें अपलोड कर सकता हूँ तो पॉइंट देखो पॉइंट ये है कि आप लोगों को इतना डीप में जाकर कर हर उसका नहीं करना होता ये सब आपको डेवलपर देगा कि कवरेज कैसे निकालना है ये आपका काम नहीं है कि आपको पता आना ही चाहिए लेकिन अगर पता है तो अच्छी बात है राइट सो नॉलेज इज इज ऑलवेज हेल्प्स तो ये जो डेवलपर है उसका काम है कि आपको ये करके देगा अच्छा तो याले हमारे कोड में हम सीधे सोनार करेंगे तो उससे कवरेज उसमें दिख जाएगा आ, देखो डायरेक्टली कुछ खुद से नहीं दिख जाता है थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन और करनी पड़ती है तो सोनार आ, सोनार जो है वो ऑटोमेटिकली फाइंड करता है फाइल कि वहां पे फाइल है कि नहीं तो मैंने अभी पाइथन को सोनार से कॉन्फिगर करके नहीं देखा है यू कैन गो एंड ट्राई आई शोन यू हाउ टू डू दैट विद एच सोनार से पाइथन को कैसे करना है दैट सोनार विल हैव दैट इन्फॉर्मेशन सोनार के डॉक्यूमेंटेशन में उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ठीक है तो सोनार में आ, आ, या तो वो खुद भी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कई बार इस टाइप की डॉट कवरेज फाइल अगर उसको मिलती है सोनार उसको फाइंड करके अपलोड कर लेता है ना, तो मुझे अलग से लिखना नहीं पड़ता फॉर एग्जाम्पल जको केस में भी अपने आप नहीं कहीं नहीं लिखा मैंने जको की उसको दिखी उसने उठा के शो कर दिया था सोनार ने फिर रिमेंबर ठीक है तो आ, सब आ, अगर अपने आप नहीं हो रहा है तो फिर यू हैव टू डी बर्क सो जो मेन आर्ट है ना एज अ डेवलप्स इंजीनियर इज टू फाइंड प्रॉब्लम्स राइट अभी वो डेवलपर आपके आके कहेगा मैं तो कवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ वहाँ दिख नहीं रहा तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको पाइथन का भी होना चाहिए थोड़ा बहुत आइडिया आपको सुनार का तो पूरा होना चाहिए कि कैसे अपलोड करना है क्यों नहीं हो रही है डिबग करोगे देखोगे ट्रायल हिट एंड ट्रायल करोगे और फिर अपलोड करोगे ठीक है सर आप आप लोगों को डी डिबगिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप्स इंजीनियर के पास सबसे मेजर एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना चाहिए जितने भी आईटी इंजीनियर है ना सबका जो Uh, जो स्ट्रॉन्ग इंजीनियर्स हैं, उनका जो स्ट्रॉगेस्ट स्किल है वो डिबगिंग है और डिबगिंग आती है नॉलेज से कि एक प्रॉब्लम आ गई है अब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है हाउ कैन यू सॉल्व इट राइट उसके लिए नॉलेज होना चाहिए इसकी जितनी ज्यादा नॉलेज होगी वो उतना फास्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा इसलिए मैं आप लोगों को फोकस करता हूं कि आप लोग ब्रेथ पे जाओ आप डेप्थ पे अभी मत जाओ एज ए जूनियर इंजीनियर योर गोल इज कि मुझे सब थोड़ा थोड़ा आता हो डेप्थ तो आती है टाइम के साथ वक्त के साथ एक्सपीरियंस के साथ डेप्थ आती है तो आप ब्रेथ पे फोकस करो जितना सीख सकते हो जितना पढ़ सकते हो जितना जितना समझ सकते हो उतना तो तो समझने की कोशिश करो अपना एंगल को बढ़ाओ ठीक है एनी वे ओके व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश आई एडेड यम फॉर नाइक टेस्ट बट आई कीप गेटिंग द बिलो एरर

ये अभी मैं करके देखा नहीं मैंने मैं करके देख के बताता हूँ तुमको हो सकता है कुछ एरर आ रहा हो तुमने शायद ये डॉकर इमेज यूज़ करी है स्नाइक की विच इज गिविंग यू एन एर से नहीं है ठीक है मैं पर ये कौथ कॉमन एरर होती है जो एंट्री पॉइंट है ना वहाँ पे फट जाता है जाके आई द इमेज जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्नाइक स्नाइक करेक्ट तो आई ट्राइड स्नाइक स्नाइक डैश सी एल आई ऑल्सो बट इट वॉज नॉट पुल इट वॉज नॉट एबल टू पुल द इमेज आई ट्राइड इट लोकली ऑल्सो इट वॉज नॉट एबल टू पुल द इमेज फिर मैंने ये ट्राई किया स्नाइक स्नाइक डॉट ये कॉलिंग डॉकर But I'm still getting this this error. So I thought, shayad it has something to do. हाँ हाँ ठीक है आई गुड ट्राई अलिन गुड ट्राई मैं भी इसको ट्राई करके आपको बताता हूँ

Uh, and a pipeline which will from one point will go and deploy to a kubernetes cluster with all the phases all the stages all the rel all the um, important uh, stages in the pipeline already configured something like that so we anyway that is our objective anyway so yeah i'll give it a try snipe like docker one okay okay what else okay so uh we have spent like one hour let's not say one hour because we started late 15 minutes let's so let's say we start uh, spent 45 minutes discussing the basic things and the questions let me spend more like like 10 more minutes on some basic uh, and then I'll jump on to the bit advanced stuff uh okay so for um, the basics yeah go on Sorry.

for for this as in most of it so we can search for it online and mil jata hai but then there are certain things jo nahi milta so then how do you do it jaise abhi ye unit test wala well, it's not something jo uh, ekdam se no. no. I mean, ha uh, सॉरी बोलो मैंने तुम्हें रोका बोलो क्या कि अभी आप ये यूनिट टेस्ट का बता रहे थे ना तो यू जस्ट गॉट इट एज एन आई डोंट नो वेदर यू गॉट इट डायरेक्टली या uh, मुझे भी वो नहीं पता था कि

In the whole IT industry across the whole world, okay. Let's assume we have 10 lakh, 10 lakh मेरे पास DevOps engineer हैं, for example. अभी हम DevOps engineer की बात कर रहे हैं। It it is it is for everyone, but let's just say we have 10 lakh DevOps engineer हैं। उन 10 lakh DevOps engineer में सबको कुछ आता है और बहुत कुछ नहीं आता है, right? सो दैट्स वॉट कम्युनिटी इज राइट कम्युनिटी हम क्या कहते हैं टेक कम्युनिटी का क्या मतलब है टेक कम्युनिटी का मतलब है वी लर्न फ्रॉम ईच अदर राइट सो फॉर एक्जाम्पल मैंने अपने प्रोजेक्ट को करते करते कुछ चीज़ सीखी अब वो मैंने सीखी कैसे प्रोजेक्ट ने नहीं सिखाई मुझे मैंने खुद इंटरनेट पे जाके जो मेरे फेलो डेवॉप्स इंजीनियर थे जब उन्होंने कुछ किया था तो उन्होंने उसको पोस्ट किया कि मैंने ये चीज़ ऐसे ऐसे करी थी इतना चैलेंज हुआ ये प्रॉब्लम्स आई उन्होंने आर्टिकल लिखे अपलोड कर दिए तो उन आर्टिकल्स को अब मैं मेरे लिए रेलिवेंट है मैं उनसे कुछ सीखूंगा मैं उसे सीख के अगर मैंने वही का वही किया exactly किया तो 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 ठीक है है अगर कुछ अलग किया, तो मैं भी अपने findings को कर दूंगा, इससे होता क्या है कि जो बाकी के लोग हैं फॉर एग्जाम्पल यू राइट आप लोगों को हेल्प मिलेगी कैसे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा पाइथन का कवरेज कैसे निकालना है वॉट आई डू आई लर्न

तो मैं क्या करूँगा मैं सारे एक एक करके लिंक्स खोल लूँगा ये खोल लिया एक ये खोल लिया एक ये खोल लिया ये खोल लिया ये खोल लिया ओके अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो पहले पाँच लिंक खोले उसी में आपको आंसर मिल जाए तो यू यू हा, विल हैव टू डेवलप्ड टेंडेंसी ऑफ माइनिंग फॉर राइट जैसे गाय होती है ना आपने देखा होगा वो लूज गाय गाय होती है जो वो पूरे जाते जाके पहले सूंघती है यहाँ खाना है नहीं है फिर आगे जाती है फिर उसको शी स्मेल सेट हाँ लुक्स लाइक फूड शी ईट सेट एंड शी चूज इट एंड देन सॉलोज इट राइट देन इट मूवस देन शी कीप ऑन डूइंग दैट दैट्स वॉट यू हैव टू बिकम सो इफ यू डोंट हैव द आंसर एंड इट्स नॉट दैट आई एम आस्किंग यू गाइज आई ऑल्सो डू द सेम थिंग्स आई इन द बिगनिंग ऑल्सो हैव टोल्ड यू वैन आई शो यू एन एग्जाम्पल आई स्पेंड सम टाइम डेवलपिंग दैट एग्जाम्पल Mujhe nahi pata hai cheez, right so i have clue i know how to get it because because of my experience i've done i'm doing this from past 15 years right so i have that understanding of how to find a solution how to find an answer so i go to internet search articles read those articles spend three four hours just doing that and then i keep on giving it a try on a local it sometimes it works sometimes it doesn't work doesn't work then i find see why it's not working is there a better approach so i keep on experimenting this is what क्स दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट्स आर डन सो आप लोग को ये इस मोड में नहीं आ रहा है कि आपने जो पहली काम किया वो पहले ही चल जाए मेरा पहला कोड कभी नहीं चलता फर्स्ट कोड नेवर वर्क्स ओके मे बी जब मैं चलाता हूं तो आई एम लेट मेरेट से मे बी एट ए स्टेज वेयर मेरा फिफ्थ कोड फिफ्थ एक्सपेरिमेंट चल जाए फोर्थ एक्सपेरिमेंट चल जाए आप लोग ट्वेंटी पे स्टार्ट कर रहे हो कि ट्वेंटी नहीं चलेगा नाइनटीन चलेगा एट्टीन चलेगा मे बी आपको आते 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 बीस पच्चीस एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे तब कोई एक चलेगा दैट्स पार्ट ऑफ लर्निंग राइट सो दट इज हाउ आई डू आई गो एंड फाइन ओ यहाँ नहीं मिल हाँ, रहा आंसर हाँ यहाँ कुछ ठीक सा है पाइथन यूनिट कवरेज ओके दिस लुक्स प्रॉमिसिंग पढ़ूंगा उसको कैसे करने को करने को बोला उसने अच्छा देखो ये अच्छा ऐसा रिपोर्ट निकालनी है ओके लेट्स ट्राई दैट गो बैक ट्राई द कमांड्स ठीक है सो दिस इज हाउ आई डू दिस इज हाउ यू शुड डू दिस इज हाउ इच एंड एवरी सिंगल डेव इंजीनियर ड So you are not different i am not different we all are sailing the same boat and i shouldn't say devops the whole it community does exactly this we help each other these are there are different community uh, platforms we have tech you know, where you have articles even maybe post articles post sometimes, sometimes. right so all those articles help are there to help each other because okay? so this is how you guys find answers okay Jee, got right. it. did i answer okay yes cool so this is how basically so you guys have to read a lot try a lot and whatever reading keep giving giving it a try be fast about it uh, because if you keep trying one solution and it doesn't work for next two three hours try something else because if it's not working maybe there is a solid reason of that not to work on your machine so don't don't uh, ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर मोर देन टू थ्री आवर्स इफ दैट स्पेसिफिक थिंग इज नॉट वर्किंग ट्राई समथिंग एल्स चेंज योअर स्ट्रैटेजी चेंज योर अप्रोच तो ये uh, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आई थिंक ये मेरे साथ बहुत होता है नहीं चल रहा है बैठे हुए नहीं चल रहा है कुछ और ट्राई नहीं कर रहा है उसे चलाए जा रहे हैं सो ऑलवेज ट्राई समथिंग ट्राई कीप ऑन ट्राइंग चेंजिंग फ्यू थिंग्स हियर एंड देर बिकॉज इफ यू डू द सेम थिंग अगेन अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट ओके okay, सो so, यहाँ पे दिस इज पार्ट ऑफ लर्निंग यू वॉन्ट जस्ट लर्न इट बिकॉज मैंने कह दिया अब आप सीख जाओगे ऐसा नहीं है यू हैव टू गिव इट अ ट्राई एक्सपेरिमेंट्स की हैबिट आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी इसलिए आपको लोग कहता हूँ नहीं चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है बहुत लोग के जैसे मैंने फीडबैक पढ़े थे पहले कि वो हमसे आ ही नहीं रहा है अरे तो वो तो नहीं आना है वो तो आना नहीं है स्टार्टिंग में तो आएगा तब जब आप करते रहोगे करते रहोगे स्ट्रगल करते रहोगे स्ट्रगल इज वॉट मेक्स यू परफेक्ट Right, Ani is not, not, not the thing. You have to give it more try, you have to keep trying it. That is also part of the learning. Anyway, uh, I'll close these. Uh, okay, uh, it's a good diagram. I would like to save it somewhere. Okay, I'll send it in the group for you guys. Where can I send it from here? पढ़ लो इस आर्टिकल को uh, it's quite good. Uh, मैंने लिंक तो भेजा ही नहीं वेरी गुड लिंक भी भेज देता हूँ तो पढ़ लो थोड़ा सा ओके यू विल गेट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या हो रहा है इसमें ओके फाइन सो ठीक है सो लेट मी जस्ट क्विकली टच बेस ऑन सम बेसिक बेसिकली मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है सो वॉट आई आई विल विल डू इज आई डू इ क्विक लेट्स डू ए क्विक कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं वेयर वी आर बी ट्राइंग टू गो राइट लेट मी ओपन दिस क्विक डायग्राम हियर सो हम क्या कर रहे हैं हम लोग सी आई सी डी बना रहे हैं राइट right? हम लोग सी आई सी डी एक पाइपलाइन बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक सोर्स कोड है जो कि एक डेवलपर ने लिखा है उस सोर्स कोड को मुझे लेके जाना है टूवर्ड्स एन एनवाइ विच इज एक्शन ठीक है प्रोडक्शन एनवाइ में बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं कस्टमर्स हैं जो उसको एक्सेस करना चाहते हैं ठीक है अब ये प्रोसेस फ्रॉम सोर्स कोड टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है ठीक है बहुत, बहुत सारी चीजें क्या हैं वो हम लोग सीख रहे हैं इन द सी आई सी डी पाइपलाइन करेक्ट सो हम लोग सीख रहे हैं इस इन बीच में क्या क्या है इसमें आपका टेस्टिंग uh, uh, है बेसिकली टेस्टिंग कैन हैव मैनी थिंग्स टेस्टिंग कैन हैव योर सिक्योरिटी टेस्टिंग टेस्टिंग कैन ऑल्सो हैव योर फंक्शनल टेस्टिंग फंक्शनल टेस्टिंग then it can also have your performance testing, performance testing. ठीक है बेसिकली बहुत सारे स्टेजेस हैं हमारे सी आई में पर हम अभी कुछ पे ही फोकस कर रहे हैं राइट हम अभी टेस्टिंग का पार्ट्स डिसाइड डिस्कस कर लेते हैं तो टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं टेस्टिंग में हम फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर, कर रहे हैं हम करना चाहते हैं अभी हम करना शुरू नहीं किया है हमने कुछ कुछ चीजें करी है राइट सो ऑल एंड ऑल टेस्टिंग हमारा एक मेजर पीस है इस सी आई सी पाइपलाइन का ओके और क्या है सेकेंड समझ लो आपका है बिल्ड प्रोसेस बिल्ड कैसे कर सकते हो बिल्ड को आप करने के लिए हम लोग जो प्राइमरी मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं बिल्ड के लिए वो यूज कर रहे हैं डॉकर बिल्ड ठीक है देखो मैं अभी समरी दे रहा हूं आपको हमने बहुत कुछ सारी चीजें लूजली सीखी हैं. हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो कि अरे क्या कर रहे हैं हम ऐसा हो सकता है हो रहा हो है ना तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं और वो कैसे रेलिवेंट है हम जो भी कर रहे हैं ओके तो सोर्स कोड लिखा है डेवलपर ने ये आपको नहीं लिखना है सोर्स कोड में कोड भी है और टेस्ट भी है वो आपको नहीं लिखना है आपको केवल उनको रन करने का तरीका ढूंढना है जो प्राइमरी सी आई में प्राइमरी प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं वो है पहला तो टेस्टिंग होता है दूसरा बिल्ड होता है ठीक है कि बिल्ड कैसे करना है और थर्ड होता है डिप्लॉय राइट इसको डिप्लॉय कैसे करना है ये डिप्लॉय होता है डिप्लॉय करने के कौन कौन से तरीके होते हैं डिप्लॉय करने के बहुत से तरीके होते हैं डिप्लॉय करने का तरीका होता है कि... अबे यार डिप्लॉय का तरीका होता है कि आप उसको डिप्लॉय uh, कहा कर रहे हो उस पर बहुत मैटर करता है डिप्लॉय कहां कर सकते हो लेट्स टॉक अबाउट हमने एनवास की बहुत सारी बात की है एनवास और लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर तो एनवा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे से क्या क्या हो सकता है दो ही पॉसिबल है राइट या तो हम सर्वर में कर रहे हैं आदर वी आर डायरेक्टली डूइंग इट ऑन असी टू इंस्टेंस और वी आर डूइंग डूइंग ऑन इट अ राइट तो हम यहां कर रहे हैं या फिर हम अभी कहा जा रहा है यार या तो हम यहां कर रहे हैं या फिर हम इसको एक क्यूब इस सर्वर पे कर रहे हैं राइट तो दो जगह कर सकते हैं करें या इसी टू में या सर्वर पे अब ये जो डिप्लॉय है ये किसी एनवायरमेंट पे ही करोगे आप एनवायरमेंट कैन बी और इसी टू इंस्टेंस या फिर क्यूबन सर्वर राइट right? और डिप्लॉय करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है तो डिप्लॉय कैन बी ऑफ टू टाइप्स आइदर आप उसको डिप्लॉय आप कर सकते हो उसको या तो यूजिंग एस एस एचने एस एस एच डिप्लॉय करने की कोशिश की थी फिर रिमेंबर दिस इज व्हाट वी वर यूजिंग या फिर आप सीधे

आई थिंक हमने एक ए डब्ल्यू एस का ए डब्ल्यू एस बीन स्टॉक भी हमने ट्राई किया था लास्ट टाइम रिमेंबर आई थिंक ये हमारा लास्ट डिस्कशन था बिफोर आई टू क ब्रेक सो ए डब्ल्यू एस बीन स्टॉक भी हम एज एनवायरमेंट बना सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है सो so, डिप्लॉय के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास करते कैसे हैं इसी टू है तो एस एस एच करेंगे ये है तो क्यूब सी टी एल करेंगे ये है तो हेल्प करेंगे बीन स्टॉक है तो कुछ और अप्रोच यूज कर सकते हैं आप तो टू डिप्लॉय जो कि बीन स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है बीन तो स्टॉक का एक सी एल आई होता है बीन स्टॉक का लेट से हमने लिखा बीन स्टॉक सी एल आई के थ्रू हमने पाइपलाइन से इसको कर दिया सो so, इतने तरीके हमने सीखे हैं हमने देखे हैं अभी मैं समरी दे रहा हूं आप लोगों की हमने इतने दिन में जो जो सीखा वो कैसे कैसे फिट हो रहा है पूरी ओवरऑल पिक्चर कैसे कैसे फिट हो रही है राइट तो हम जो सी उसके रेलिवेंट हम ये सारी चीजें कर रहे हैं है ना इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं आगे ये जो एक्टर है ये है मेरा कस, ये है मेरा कस्टमर ओके दिस इज माय एंड कस्टमर जो कि अप्लीकेशन को, को चलाएगा ठीक अब ये मुझे यहां से लेकर यहां तक चलाना होता है इसको ठीक है ठीक है अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए हमने क्या किया था इसके लिए हमने यूज किए थे दो चीजें एक तो हमने यूज किया था टेराफॉर्म और या फिर हम क्लाउड स्पेसिफिक चीज भी यूज कर सकते हैं तो हम ए का सी uh, एल uh, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन इस टाइप की चीज भी, भी यूज कर सकते हैं टू तो स्पिन अप ठीक है ये क्या कहलाता है इस चीज को हम आई ए भी कहते हैं आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है कोड तो हम इन एनवायरमेंट सेटअप टेराफॉर्म से कर सकते हैं या फिर हम एडब्ल्यू के कंसोल से भी कर सकते हैं राइट कंसोल मतलब यू से यू आई कंसोल जो कि आप लोग ने सबसे ईजिएस्ट वे होता है पर कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कभी कभी जो मैं आपको दिखाऊंगा कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है आई शो यू बट दिज आर वन ऑफ फ्यू ऑफ द वेज बाई विच यू कैन डू इट एनवाइनमेंट सेटअप इसको मैं लिख देता हूं आई ए सी दिस ऑल्सो कॉल्ड इज आई ए सी आई ए सी दिस कॉल्ड इज आई ए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड ठीक है ओके सो दिस हाउ इट इज डन एंड फैक्ट टेस्टिंग पार्ट हमने क्या क्या टेस्टिंग अभी तक हमने सीख लिया कि भाई कैसे करना है कैसे करना है देन आपको कंटेनर स्कैन कैसे करना है हाँ हेलो ओके Container कैसे करना है देन डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी स्कैनिंग कैसे करनी है देन इसी में आ जाता है सीक्रेट डिटेक्शन डिटेक्शन कैसे करना है कंटेनर के लिए हमने यूज क्या किया है हमने यूज किया है सोनार कहा जा रहा है यार ये Hit it. के लिए हमने यूज किया है सोनार डिपेंडेंसी के लिए हमने यूज किया है ओके इसके लिए यूज किया है हमने क्या यूज किया स्नक यूज किया हाँ यूज किया है ठीक है इसको भी मैं जोड़ देता हूं इसके लिए हमने क्या यूज किया है स्कैन के लिए हमने यूज हम यूज करने वाले हैं हमने करके देखा है वो है ट्रीवी सिक्के डिटेक्शन के लिए कुछ यूज नहीं किया है बट आई थिंक मैं दिखाऊंगा इसमें हम यूज कर सकते हैं गिटलिक्स uh, करके एक टूल होता है वो दिखाऊंगा मैं दिखा आपको बाद में लेट्स हम वो यूज़ करेंगे गिटलिक्स ओके सो ये सिक्योरिटी टेस्टिंग का पार्ट हो गया फिर एक इसी में एप्लीकेशन सिक्योरिटी डायनेमिक सिक्योरिटी का भी एक ऑब्जेक्ट होता है वो लेट्स से हम उसको कह देते हैं डेस्ट उसके लिए हमने कोई यूज टूल यूज किया नहीं है अभी तक और तो हम कर सकते हैं डेस्ट ओके फंक्शनल टेस्टिंग से मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं फंक्शनल टेस्टिंग ये हम नहीं करते हैं हम बस रन करते हैं पर इसमें इसके टूल्स मैं बता देता हूं बहुत सारे लोग सेलिनियम करते हैं यू टेस्ट के लिए ठीक है कुछ और तरह का टूल होता है तो वो यूज कर लेते हैं या फिर साइप्रस करके टूल होता है साइप्रस फंक्शनल टेस्टिंग के लिए टूल होता है टेस्ट मतलब जो होता है है उसका उसके लिए ठीक फिर आपका परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं जेमीटर या फिर एक के टू टूल होता है के टू उसको यूज कर सकते हैं तो देखो बहुत सारी में आपको नहीं करनी होती है आपको थोड़ा पता होगा तो अच्छा है लेकिन आप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक सी आई सी डी पाइपलाइन में क्या क्या, -क्या टूल यूज़ हो सकते हैं इसलिए सी एस सी डी कभी भी ये सी एस सी डी नहीं कहलाता ये कहलाया जाता सी एस सी डी टूल चेन सी एस सी डी को कंप्लीट करने के लिए एक पूरा टूल का चेन बनाना पड़ता है वो चेनिंग का काम आपका है टूल कौन से यूज करना है वो हमेशा कुछ आप चूज करते हो कुछ जो बाकी के जो लोग हैं वो जो डेवलपर है उनका काम होता है ये कोई अकेले का एक्टिविटी नहीं है इससे कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ द होल कंपनी Where are also involved, कि कौन सा टूल होगा किस चीज के डेवलपर क्या करेगा तुम क्या करोगे हर कंपनी का अलग अलग तरह से डिफाइन होता है less, में, uh, ठीक है आई थिंक आई एक्सप्लेन द होल ट्री बट दिस इज हाउ इट इज क्विक समरी सोर्स कोड है डेवलपर ने सोर्स कोड लिखा वहां से लेकर प्रोडक्शन एनवाइट तक कोड को लेके जाना है उसमें ये जो मेन स्टेजेस है ये मेन स्टेजेस होती है टेस्ट बिल्ड और डिप्लॉय ये तीन स्टेज मेन होती है ठीक है एक्चुअली एक और होती है जिसे कहते हैं ऑपरेशन और मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग वो प्राइमरीली होती है प्रोडक्शन एनवायरमेंट को देखने के लिए ठीक है उसके लिए टूल्स जो हैं जो हमने अभी सीखे नहीं है बट हमको करना चाहिए और करना भी है फॉर एग्जांपल फ्रामीथियस Then, के लिए से ग्रफाना और ये तो ओपन सोर्स टूल्स हैं यूज होते हैं बहुत कंपनीज़ में स्प्लंक करके एक टूल होता है वो यूज होता है या फिर डायना ट्रेस डायना ट्रेस होता है वो भी यूज होता है कई बार तो टूल की तो देखो कोई कमी नहीं है आपको सारे टूल नहीं सीखने डेवॉप्स का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है बेसिकली तो आप सब नहीं सीख सकते क्योंकि मैं नहीं सीख पाया हूँ तो आप भी नहीं सीख सकता और टाइम लगेगा तो इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये टूल किस चीज़ का ये टूल किस चीज़ के तो हम कोशिश करेंगे प्रमिथिस भी करें वी विल ट्राई टू डू दैट ठीक है सो so, हर एक स्पेस के जो इम्पोर्टेंट एरिया है ना तो इम्पोर्टेंट एरिया हो गया हो गया पहला टेस्टिंग ठीक है जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस हो गए उसके सेकेंड इज़ बिल्ड

कर सकते हैं पर हमने अभी तक क्या क्या सीखा है हमने अभी तक SaaS सीखा, ये सीखा ये सीखा ये नहीं किया है ये कर लिया है पीन स्टॉक को ट्राई किया है हमने हमने एस 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 स्टार्ट तो हमने यहीं से किया था इसी टू एस 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 से क्यूबानैटिस हमने शुरू कर दिया है हेल्म हमने सीखा है क्यूब सीडियल हमने सीखा है टेराफॉर्म का हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग ली है ये हमने थोड़ा सा देखा है अब हमें करना क्या क्या है जो रिमेनिंग दिख रहा है इसमें उनमें से एटलीस्ट एक एक तो करना ही है सो माई ऑब्जेक्टिव इज कि मैं ये भी कर हम ये कर लें हम ये कर लें पूरा और हम थोड़ा सा ये कर लें और हम ये भी कर लें ये और ये सो so अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको पूरे जो फाइव सिक्स पिलर्स फोर पिलर्स दिख रहे हैं इसमें से एक एक टूल सबका आ जाएगा एटलीस्ट तो देट इज़ इनफ फॉर यू टू गो बैक टू अ इंटरव्यू सेइंग भाई मेरी कंपनी में दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू और दीज आर द टूल्स विच आई हैव यूज्ड ठीक है सी आई सी डी टूल चेन और हम हाउ आर वी अप्रोचिंग आर प्रॉब्लम दिस इज हाउ वी आर अप्रोचिंग इट सो हम होलिस्टिकली एक सी आई सी डी प्राइब्लम में कैसे चीजें होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं ओके okay. क्वेश्चन uh, सो ये देखो इट्स पार्ट ऑफ द बेसिक आई आई ट्राई टू रिकैप बिकॉज हमने बहुत सारे पीसेस यहाँ वहाँ किया कुछ यहाँ सीखा कुछ वहाँ सीखा हो सकता है आप लोग को कॉन्टैक्ट समझ में नहीं आ रहा हो कि हम कर क्या रहे हैं आधा यहाँ आधा वहाँ क्या कर रहे हैं सो so, हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं मैंने एज अ इन द बेसिक सेशन टुडे आई ट्राई टू गिव यू अ रीकैप ऑफ व्हाट वी आर डूइंग व्हाई वी आर डूइंग वॉट वी आर डूइंग वेयर इट इज़ गेटिंग फिट और हम क्या क्या हमको और अभी बेसिकली करना है हो सकता है मैं कुछ एक दो चार पीसेज यहाँ मिस कर रहा हूं बट मोरलैस दिस इज वॉट इट इज दिस इज द डायरेक्शन वी आर ट्राइंग टू गो और ये जो चीज है ये एक जगह नहीं है इसके पीछे मल्टीपल एनवाइ इन्वॉल्व हैं तो पहले मैंने आपको एक डायग्राम बताया था पिछली बार मीरो पे कि पहले स्टेजिंग में जाएगा फिर वहां टेस्ट होगा फिर यूएटी में जाएगा फिर वहां टेस्ट होगा फिर वहां से प्रोडक्शन एनवायरमेंट में जाएगा ठीक है इफ देर आर नो क्वेश्चन i will open another diagram this is the diagram which i created earlier to give you some context uh, but before i start with this please give me 5 minutes huh? i'll take a water break just just 2 minutes i'll be back